जय हिंद शिवम भाई। आई जय हिंद सर, हाउ आर यू? हाँ एम गुड सर, आई एम गुड, आई एम गुड। बट यार, यू आर फ्रॉम फार्मिंग बैकग्राउंड, एनडीए निकालने की कोशिश की, वो नहीं निकला, ठीक है। फिर शायद लगा कि यार ये अपने लेवल का एग्जाम नहीं है, शायद हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए। बट फौज की आग शायद खत्म नहीं हुई, बीएससी में दोबारा ट्राई करना गया। ये मैं आई थिंक अपने मुंह से बोलूंगा, मजा नहीं आएगा। तू अपनी जर्नी जीरो से बता। तू देहरादून से है यार, समझ रहा है? 8 किलोमीटर दूर तेरे आस, यस मतलब सर, 8 किलोमीटर दूर तेरे से आईएमए है, जेंटलमैन कैडेट रोज दिखता था तू। आई एम तेरी कहानी क्या है, जरूर से बता अपने अपने शब्दों में। जिनको आपने अभी देखा उनका नाम है शिवम उनियाल, उन्होंने सीडीएस निकाला है। बट ये इनका ये पहले अटेम्प्ट में निकला है, इनका दूसरी तीसरी बार में निकला है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, इन्होंने एनडीए भी ट्राई किया था, जो कभी नहीं निकला। और मैं इनके बारे में एक और बात बताऊं कि ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने हर वो मुश्किलें देखी है जो एक एवरेज स्टूडेंट देखता है। और इसलिए ही आपकी ये सीडीएस 123 प्रिपरेशन में कंप्लीट मदद करेंगे। 6 महीने में तैयारी करे कैसे, रॉन्ग कोचिंग से बचे कैसे, और राइट कोचिंग और सेल्फ स्टडी करे कैसे। इनके जो पहले मेंटोर थे वो थे श्री प्रतीक सर, और उसके बाद मैं था और सिद्धांत सर थे। हम दोनों ही इंग्लिश के टीचर हैं। अनअकैडमी की यही खास बात है कि आप एक ही सब्जेक्ट के लिए ना दो टीचर चूज कर सकते हो। और यहाँ पर मेरे से उन्होंने ग्रामर पढ़ी और इनसे प्रैक्टिस क्वेश्चन करे, ये खास बात थी। पर मैं जब इनकी कहानी आपको बताऊंगा ना, तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये इंसान आपका पूरा स्ट्रगल बताएगा कि कैसे रॉन्ग कोचिंग में वो फंसा और इससे आपको कैसे बचना है, और राइट बुक्स और स्ट्रेटेजीज कैसे रखनी है कि भाई स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, बुक्स क्या रहेंगी, रिविजन प्लान क्या रहेगा, और एमसीक्यू स्ट्रक्चर क्या रहेगा। जो आप बुक्स अभी सुनने वाले हो ना कि भाई ये बुक्स माल करो, वो बुक्स करो, या स्ट्रेटेजी हम एग्जैक्टली जो बताने वाले हैं, वो मैंने, सिद्धांत सर ने और श्री प्रतीक सर ने अपनी अपनी क्लासेस में यूज करी है। सो आप अपनी सेल्फ स्टडी ना तुरंत शुरू कर सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है आपको हमसे पढ़ना है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप वार्षिक कूपन कोड और गोल्ड कॉइन का इस्तेमाल करके ना सीडीएस 123 के बैच में आप एनरोल हो सकते हो। मैंने इसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, प्लीज मेक श्योर यू चेक। और अभी हमारी मुलाकात होगी शिवम से, जो अपनी पूरी कहानी बताएंगे। सो पिक योर पेन एंड पेपर एंड लेट्स स्टार्ट। तेरी कहानी क्या है, जरूर से बता अपने अपने शब्दों में। तो ये स्टार्ट हुआ, 10th की हॉलीडेज चल रही थी मेरी, और मैं सोच रहा था कि मुझे आर्म फोर्सेज ज्वाइन करना है, जैसे रिजल्ट आएगा तो मैं भर्ती में जाऊंगा। बट मेरे पड़ोसी में भैया रहते थे, तो उन्होंने बताया मुझे कि आर्म फोर्सेज में जाने के लिए ऑफिसर एंट्री भी होती है, तो तू ऑफिसर के लिए ट्राई कर, तू सही है, मतलब तेरी हाइट भी ठीक है, तू अगर थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी पर काम करेगा तो तू ऑफिसर बन सकता है। तो ऐसा बोला उन्होंने, तो मुझे थोड़ा वो क्लिक हो गया कि हाँ यार ये बात तो सही है, ऑफिसर भी बट बन उससे सकता पहले है। ये नहीं बता था कि ऑफिसर एंट्री होती है, तो सर उससे पहले मुझे पता नहीं था कि ऑफिसर एंट्री भी होती है। मतलब तेरे को ये मानना था कि अगर जनरल भी बनना है तो इसी यहीं से बनना पड़ेगा, मतलब यही एक तरीका है बस भर्ती। हाँ मुझे यही लगता था, पर मुझे फिर उन्होंने जब बताया कि एनडीए एग्जाम भी होता है कुछ, तो एनडीए के लिए ट्राई करियो। अच्छा, फेयर इनफ। बट मतलब जीसी का कुछ आपको पसंद आया था कि इंग्लिश बोलने का स्टाइल क्या है, मतलब आप तो रोज ही देखते हो कि क्या, कुछ कहानियां बताओ यार हमें। हाँ तो ये हमारे एरिया में जहाँ पे मैं रहता हूँ, कारबारी ग्रांट है ये, शिमला बाईपास रोड के साइड है, तो हमारे यहाँ से आईएमए सिर्फ 8 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है। तो एक दिन शाम का वक्त था, तो मैं जा रहा था घूमने अपने उधर ही, तो इधर फेमस टेम्पल भी है, मानसिंह मंदिर, तो इधर की तरफ ट्रेनिंग होती है, फॉरेस्ट एरिया है, थोड़ा थोड़ा क्या, काफी ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है, तो वहां पे ट्रेनिंग होती है आईबीजीसी की, वो जंगल में जाते हैं। तो एक दिन वो आ रहे थे, तो उन्होंने रास्ता मेरे से पूछ लिया कि अभी यहाँ से प्रेमनगर के लिए होगा, तो मैंने बताया अभी ज्यादा नहीं है, अब 7 किलोमीटर के आसपास है। तो उन्होंने बोला ओके। उसके बाद वो काफी अच्छे से बात कर रहे थे कि आप कहाँ रहते हो, मैंने बोला मैं हूँ, फिर वो आपस में भी इंग्लिश में बात कर रहे थे, काफी अच्छे थे, लग रहा था कि कुछ है ये लोग, ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब नॉर्मली कोई ऐसे बात करता है, बहुत प्यार से और काफी जेंटलमैन वाली फीलिंग आ रही थी उन्हें देख के, तो मुझे लगा ये लोग कुछ तो बात है इनमें। तब मुझे बाद में पता चला ये लोग आईएमए से ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये लोग जीसीज हैं, जेंटलमैन कैडेट होते हैं, आगे चल के ऑफिसर बनने वाले और हैं। उस टाइम तो आपको वो चीज इंग्लिश मुझे बोलने वहां पे वाले लोग ट्रिगर कैसे हुई। लगते थे कि इंग्लिश बोलता है तो भैया क्या होगा वो? तो सर वो इंग्लिश में बात करते थे, तो मेरे को लगा यार कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं ये लोग, तो इनमें कुछ तो बात है, ये लोग हैं मतलब ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो एक अलग स्टैंडर्ड होता है ऑफिसर का, तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी वहां पे। अच्छा, फिर है ना, फिर वहां से कहानी शुरू हुई। अब एनडीए के लिए आई थिंक आपने देहरादून में, तो पेंता कोचिंग है वहां, तो ठीक है, हर गली नुक्कड़ में कोचिंग का बोर्ड दिख जाता है, डिफेंस का। आईआईटी कितने दिखते, जितने डिफेंस के दिख जाते हैं, ठीक है। तो अभी वहां पर क्या था, नहीं हो यस पाया था एनडीए, ठीक है। अच्छा, एक तुम्हें तो 10th के बाद साइंस भी नहीं मिल रही थी जहां तक मुझे पता है, उसकी कहानी क्या, पहले वो शुरू करते हैं। हाँ सर, 10th के बाद सर मेरी सीजीपीए कम आई थी, 6.5 ही थी, तो अराउंड बन रहा था 61 के आसपास परसेंटेज बन रही थी वो, तो स्कूल वालों ने बोला कि नहीं तुम्हें साइंस नहीं देंगे, साइंस टफ होती है और तुम साइंस लोगे तो तुम फेल हो जाओगे। तो मैंने रिक्वेस्ट करी,
ये मैम प्लीज मुझे साइंस दे दीजिए, मेरे को आगे एनडीए के लिए ट्राई करना है, उसके लिए मैथ्स इंपॉर्टेंट है, साइंस भी आती है उसमें, तो सर मुझे पीसीएम दे दीजिए। तो काफी मशक्कत के बाद उन्होंने आगे चल के मुझे दिए साइंस, जब मैंने रिक्वेस्ट करी उनसे काफी और ज्यादा। उसके बाद भी जब 12th की बात आई तो तुम्हें टीचर्स ने ये मतलब चैलेंज ही करना शुरू कर दिया कि बच्चा ये तू पास भी नहीं हो सकता, तू पास होके दिखा दे। तो सर जब मैं एडमिशन लेने गया वहां पे स्कूल में, तो वहां पे एक बच्चा आया था, उसकी 9 CGPA थी, तो वो तो कॉमर्स ले रहा था, उसका अपना गोल होगा। तो मैम ने मुझे बोला, देख ये कॉमर्स ले रहा है और तू तू साइंस मांग रहा है, तेरी 6.5 है, तो ऐसे कैसे चलेगा? उसको देख, वो कॉमर्स ले रहा है क्योंकि साइंस हार्ड होती है, इस वजह से काफी लोग साइंस नहीं ले रहे हैं, तो तू मत लेगी, ऐसे बोला मुझे। अच्छा बढ़िया, जिद तो चलो तुम्हारी एनडी की थी कहीं ना कहीं, तो तुम्हें उस टाइम लगता होगा यार एनडी निकल जाए, भगवान करे यार जिंदगी सेट है ये वो वगैरह वगैरह, बट उस टाइम को थोड़ा स्ट्रगल समझो, नहीं निकल पाया था तुमने, एनडी 2 बार दिया आई थिंक, 12th के साथ भी तो 1 बार दिया ही होगा, आई थिंक टोटल 3 बार हो जाएगा राइट। 12th के साथ ही, 12th कंप्लीट होने के बाद पहला अटेम्प्ट अच्छा दिया था खाली मैंने। 12th के होने के बाद, तो फिर वो कठिनाइयां कहती हूँ थोड़ा समझाओ। सबसे पहले तो मुझे कोई आइडिया नहीं था एनडीए का सिलेबस कैसा है, क्या अच्छा स्ट्रक्चर है उसका, और उसको यूपीएससी कंडक्ट कराता है, और किस तरह का स्टैंडर्ड है यूपीएससी का, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैंने जो पहला अटेम्प्ट था, मैं चले गया मार्केट, मेरे को पता चला कि पाथ फाइंडर बुक आती है, उसमें एनडीए का पूरा उसमें सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, एनडीए का सारा सिलेबस सब कुछ, अगर वो बुक कर ली तो समझ लो एनडीए क्लियर। तो मैं वो बुक लाया, पहले मैंने सोचा खुद ही ट्राई करता हूँ, मैं निकाल दूंगा। मैंने पढ़ा उसे और मतलब क्वेश्चन भी करे, और उसमें जो मतलब जीएस का जो दे रखा था वो काफी स्मॉल वर्जन था, वो जीएस का इतना डिटेल में नहीं था जैसे जो इम्पोर्टेंट है मतलब एग्जाम क्लियर करने के लिए। और इंग्लिश भी मैंने प्रैक्टिस करी बट नहीं हुआ मेरा क्लियर। फिर मुझे लगा ये तो हो नहीं रहा है, ये तो लग रहा है काफी टफ है। जब मैं एग्जाम में गया तो मुझे लगा कि ये तो अच्छा लेवल है इस एग्जाम का, मेरे बस की तो नहीं हो रही है ये, इसके लिए तो मुझे कोचिंग ही लेनी पड़ेगी। तो उसके बाद मैं देहरादून में कोचिंग इंस्टीट्यूट काफ़ी ज़्यादा है डिफेंस के, खासकर जो बोलते हैं कि हम डिफेंस डिफेंस इंडस्ट वो है हमारा, स्पेशली हम डिफेंस वालों को ही पढ़ाते हैं। तो मैंने गूगल मैप देखा, वहाँ पे मैंने देखा कि कौन कौन से डिफेंस इंस्टीट्यूट हैं, उसमें देखा किसकी रेटिंग ज़्यादा अच्छी है, और मैंने देखा काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट थे सभी की, ऑलमोस्ट 4.8 4.8, और लगभग 600 से लेके 800 लोगों ने रिव्यू दे रखे। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया जो टॉप में आ रहा था, मुझे लगा ये बेस्ट होगा, उसमें लिखा हुआ ही था इंडियाज बेस्ट डिफेंस इंस्टीट्यूट, तो लगा होगा शायद यहाँ से सिलेक्ट होके आते होंगे काफी बच्चे, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। फिर जब मैं वहाँ ज्वाइन किया, पहले पहले तो उन्होंने काफी इंस्ट्रक्शन दिए कि डिसिप्लिन यहाँ पे मेंटेन होता है, यहाँ पे टाइम पे पहुंचना होता है, नहीं तो पनिशमेंट मिलती है, अगर होमवर्क नहीं करा तो पनिशमेंट मिलेगी, हर चीज में उन्होंने पनिशमेंट बना दिया। और स्टार्ट हुआ मैथ्स वगैरह, हमने पढ़ना स्टार्ट किया, मैथ्स पढ़ाया सही था, लेकिन वो जब क्वेश्चन देने लगे, वो एक दिन में 60 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन, और मेथड हमको स्टार्टिंग में वही पढ़ाया कि नॉर्मल जो स्कूल मेथड होता है लॉन्ग मेथड से जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वही हमको पढ़ाया गया। तो मैंने वो किया, और वो जब 60 60 क्वेश्चन दे रहे थे वो लॉन्ग मेथड से करने थे, तो वो मेरे से हो नहीं पा रहे थे। तो जैसे ही मेरे से हुए नहीं, मेरे जैसे और भी थे उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हुई थी। तो अगले दिन गए तो उन्होंने हमको पनिशमेंट दे दी, फॉर एग्जाम्पल किसी ने जैसे 45 किया आउट ऑफ 60, तो वो क्या करेंगे कि आपको पूरा का पूरा जितना 60 क्वेश्चन दिए थे दोबारा से करके आना है, 60 क्वेश्चन तो करना ही है, और जो आज होमवर्क मिलेगा वो भी करना है। तो धीरे धीरे वो प्रेशर डेवलप होना शुरू हो गया कि अब क्या होगा, मैथ्स में हमें इतना ज्यादा होमवर्क दिया जा रहा है और इतना तो पॉसिबल भी नहीं है करना, या तो हमारे 6 6 घंटे उसी में बीत जा रहे थे मैथ्स को करने में, तो सब बाकी सब्जेक्ट के लिए तो हमें टाइम ही नहीं बच रहा था, जैसे इंग्लिश हो गया जीएस हो गया, इसके लिए पढ़ने का हमें टाइम नहीं था, मैथ्स में हमें 6 6 घंटे लग जा रहे थे। ऑफलाइन कोचिंग है सुबह से लेकर शाम तक वही है, उसके बाद हम घर आके भी 6 घंटे दे रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। फिर हम वही चीज सर को बता दें, सर हम कैसे करेंगे इस टाइप, तो सर अपनी गलती ना मान के कि हम भी कुछ कर सकते हैं स्टूडेंट के लिए, उल्टा हम पे थोप दे रहे थे कि नहीं 6 घंटे लग रहे हैं तो अब 4 घंटे और निकालो, 4 घंटे जीएस के लिए पढ़ो, तुम्हें 10 घंटे पढ़ने, ये तुम्हारा मैटर है, तुम जैसे करना है करो, हम कुछ नहीं जानते, अभी तुम यहाँ पे प्रेशर नहीं झेल पा रहे तो अकेडमी में जाओगे तो क्या कर लोगे तुम, ऐसे ऐसे हमें एग्जाम्पल दे के मना लेते थे कि तुम्हारी गलती है, कि हमारी कोई गलती नहीं है, ऐसे ठीक है, मतलब होता था मेरे चलो साथ। कोचिंग की तो कोई भी रियलिटी हो कुछ भी हो, बट इसमें आई थिंक मेन प्रॉब्लम आई थिंक आपके साथ ये थी कि आपको एनडी की स्ट्रेटेजी समझ ही नहीं आई, मतलब एनडी का पैटर्न क्या है वो उस वक्त आपको क्लियर नहीं था राइट, वो मटेरियल जो भी सर था या जो भी वही कोचिंग था। तो अगर मान लो खाली अपनी अपनी गलती की बात करना है तो हमें क्या नहीं पता था उस टाइम मतलब एनडी के बारे में। अगर अपनी गलती माने तो वो यही था कि उस वक्त अगर एग्जाम एनालिसिस किया होता कि एग्जाम कैसे पूछा जाता है, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए होते तो काफी ज्यादा अच्छा आइडिया मिल जाता है इंसान को, बोला अपने हिसाब से भी सोचना चाहिए कि एग्जाम ट्रेंड क्या है, कैसे कैसे करके पढ़ना चाहिए, तो वो चीज उस समय मेरे अंदर नहीं थी।
तो बाद में जब मैं सीडीएस की तैयारी करना स्टार्ट किया, तब ये मैच्योरिटी मेरे अंदर आई कि कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करो पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाके आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, किसी भी कोचिंग में चले जाओ, उससे पहले आपको खुद थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद जब आप कोचिंग लोगे तो वहां पे आप खुद से डिसीजन ले पाओगे कि आपको क्या तैयारी करनी है। तो यही था जो मेरे अंदर लैग कर रहा था उस समय, जो मैंने करेक्ट किया सीडीएस के टाइम पे। जो भी था उस कोचिंग से जैसे भी निकले, अब सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए, एग्जॉस्ट हो गया। आई थिंक ईयर वाज अराउंड 2019 के आसपास का साल था ये, और आपने डिसाइड किया कि मैं बीएससी करूंगा। घर की हालत उतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम, बट सपोर्ट ऑफ द फैमिली और चाचा जी का, आपका सपोर्ट आ गया और चाचा जी ने बहुत मदद की। तो आपने आगे परस्यू कैसे किया, मतलब आगे क्या कहानी चली, माइंडसेट क्या चल रहा था उस टाइम, आगे यूपीएससी देना है नहीं देना, क्या सीन चल रहा था आगे? तो मैंने 3 अटेम्प्ट दे चुका था मैं एनडीए के। उससे पहले जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था वही कोचिंग के बाद मैंने दिया था। तो थर्ड अटेम्प्ट में तो मैं समझ गया था कि भाई अब मेरे बस का नहीं है। मैंने तो कोचिंग भी तब भी मेरा, क्योंकि मैंने एनालिसिस नहीं करा कि कोचिंग वालों ने हमें इतना, मतलब जो रेलिवेंट था यूपीएससी के स्टैंडर्ड का जो एग्जाम है ये एनडीए, उससे रेलिवेंट इतना अच्छा कुछ खास पढ़ाया नहीं था। मैं सारी गलती अपने पे ले रहा था कि मेरे ही बस का नहीं है इसलिए मेरा नहीं निकला होगा। तो मैं काफी उस समय डीमोटिवेटेड हो गया था। थर्ड अटेम्प्ट भी मैं देने गया पर मैं कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था उस समय कि अब एनडीए देना है, मैं बस चले गया। मैंने थोड़ा कुछ भी मेहनत नहीं करी उसके बाद। थर्ड अटेम्प्ट मैंने ऐसे वेस्ट कर लिया। फिर मैंने बीएससी में एडमिशन लिया 2017 में। तो फिर वही था मेरा कि अब बीएससी में मैं ले रहा हूँ, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करूंगा, जरूरी नहीं है कि सीडीएस ही करूंगा, कोई और एग्जाम देखूंगा, चाहे वो छोटा लेवल का भी एग्जाम हो, चाहे ग्रुप सी हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, अब मैं वही दूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब मेरे से हो पाएगा ये एग्जाम, ये जो एनडीए हो गया या फिर अब आगे सीडीएस हो गया। तो फर्स्ट ईयर चल रहा था, तो जैसे ही फर्स्ट ईयर खत्म हुआ था सेकंड ईयर में मेरा एक फ्रेंड था वो मेरे से मिला। तो वो उसी कोचिंग से आया था जो मैंने किया था जहाँ से, तो मुझे मिला। उसने थर्ड, उसका भी थर्ड अटेम्प्ट था जो जैसे मेरा थर्ड था, तो उसने एनडीए निकाला था थर्ड अटेम्प्ट में। तो उसने बताया कि असल में प्रॉब्लम हमें नहीं थी, हमने मेहनत पूरी करी थी सर। देहरादून की जितनी भी कोचिंग्स है, खासकर जो डिफेंस कोचिंग है, सबका एक ही हाल है, सारी जगह यही पढ़ाया जाता है। मतलब ये एक तरीके से बिजनेस बन चुका है कि उनको आप टी शर्ट पकड़ा दो, बैग पकड़ा दो जिसके पीछे उनका नाम लिखा हुआ है, डिफेंस कोचिंग जो भी है वो पर्टिकुलर, और स्टूडेंट्स को फीलिंग दिला दो कि आप बनने जा रहे हो ऑफिसर। उनको पीटी वहां पता है, रिटर्न तो पढ़ा रहे हैं, रिटर्न के साथ साथ उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि अंतिम पग क्या होता है, अंतिम पग में चलना होता है, पहले ही उनको वो सिखा दिया गया। पीटी सुबह सुबह पीटी हो रही है उनकी, वो सारा आईएमए वाला जो शेड्यूल है वो उन्हें वहां सिखा रहे हैं। तो जैसे एग्जाम निकालना और ये एसएसबी क्लियर करना, क्योंकि आईएमए कोई भी जिसमें एकेडमी में जाना है, वहां जाने से पहले तो मेन प्रोसीजर तो यही है ना कि पहले आप रिटर्न निकालो फिर एसएसबी निकालो। अब वो पहले ही वो पीटी वगैरह वो सब चीजें पहले स्टार्ट कर दी जो रेलिवेंट भी नहीं है और जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए पढ़ाना, वो चीज पढ़ाई नहीं जा रही है। तो ये बहुत बुरा हाल है, खासकर ये देहरादून की जो डिफेंस कोचिंग्स है, ठीक ये है, एक बहुत ये बड़ा तो बिजनेस डिफेंस चल कोचिंग का रहा हाल हो है। गया। ये बात अच्छा हुआ आपने बता दी, शायद जो देहरादून में होगा या देहरादून जाने की सोच रहा होगा उसने इसके दिमाग में क्लियरिटी आ गई। बट यार अब मुझे ये जानना है, एग्जाम निकालने के लिए जो शिवम गांव से है, फार्मिंग बैकग्राउंड से है, मदर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, उतनी एजुकेटेड नहीं है, फादर नहीं है, ठीक है, बहुत कम रिसोर्सेज होंगे आपके पास। इस बार आपने एसबीए कोचिंग लिया, 20 किलोमीटर गए हो, वो शिवम अलग आदमी है। उस शिवम में ऐसी क्या क्लैरिटी आई है कि अब सीडीएस खुद के दम पे निकाल पा रहा है? मुझे वो समझना है, वो स्ट्रेटेजी माइंडसेट क्या आया है, अब आपने क्या किया है, मुझे वो जानना है। तो सर ये स्टार्ट हुआ जब मेरा थर्ड ईयर खत्म हो गया था कॉलेज का, ये फाइनल ईयर था मेरा। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं, मतलब अब सीडीएस के लिए तो मैं पढ़ूंगा। अब मैं, मतलब हो गया था कि मेरे दोस्त ने जब मुझे एक्सप्लेन किया कि हमारी गलती नहीं थी, हम अगर सही डायरेक्शन में कर रहे होते तो हम काफी अच्छा परफॉर्म कर लेते। क्योंकि उसके बाद उसका एनडीए क्लियर भी हो गया था, वो एसएसबी भी गया था, तो वो उसे पता था कि कैसे निकाला उसने एग्जाम। तो मैं उसकी बात से कन्विंस हो गया कि हाँ ये बात तो सही कर रहा है। तो ये चीजें मैं इंट्रोस्पेक्ट करने लगा कि हाँ प्रॉब्लम तो थी, जो हमको मतलब पढ़ाना चाहिए था उतना, मतलब जो उन्होंने पढ़ाया उसमें एग्जाम में बहुत कम आता था। तो सर सीडीएस की तैयारी इस बार में प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ करूंगा, पहले समझूंगा कि क्या पैटर्न होता है। तो उसके बाद मार्च आ गया था, तो 2020 था, तो लॉकडाउन लग गया, तो सब घर में था, सब कुछ सब चीज ऑनलाइन चल रहा था। तो मेरे एक दोस्त था वो ऑलरेडी अनअकैडमी से कोचिंग ले रहा था, मतलब उसने सब्सक्रिप्शन ले रखा था, 10 महीने उसने पढ़ लिया था। तो मैंने, उसने बोला कि तू भी एक बार मेरे इससे पढ़ के देख ले, 2 महीने रह गए, अगर तुझे अच्छा लगेगा तो तू यहीं ले लियो। तो फिर मैंने उसका सब्सक्रिप्शन लिया, फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया वहाँ पे। फिर मैंने टीचर्स देखे, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे थे सीडीएस में अलग अलग सब्जेक्ट को। तो फिर मैं 1 महीना तो मुझे यही ढूंढने में लग गया कि मैं किस टीचर से पढ़ूंगा, बहुत कौन सा टीचर हो गए सब्जेक्ट थे आप, पढ़ूंगा।
बहुत सारे टीचर हो गए थे, सबके अलग अलग बैच चल रहे थे, इतने सारे कोर्सेस हैं और इतनी सारी वीडियोस थे उनकी। अब मैं अलग अलग पर्टिकुलर सब्जेक्ट चेक करूंगा तो ज्योग्राफी देख लिया, तो मैंने देखा कि वहाँ पे जैसे पर्टिकुलरली ज्योग्राफी की बात करूँ या कोई भी सब्जेक्ट की बात करूँ, किसी एजुकेटर ने 120 20 वीडियो डाली है, किसी ने 90 वीडियो डाली है, किसी ने 45 डाली है, तो मैं समझ नहीं पाया पढ़ूँ किससे। फिर मैंने ऐसा किया कि पूरे एक महीना सभी से पढ़ना स्टार्ट किया एक एक करके। पर आपने अपनी तैयारी शुरू करने में करीबन एक हफ्ता पेपर ट्रेंड को एनालिसिस करने में दिया है, तो उस ट्रेंड एनालिसिस करने में आपने क्या ध्यान दिया? मतलब कि मुझे ये देखना है, ये देखना है, क्या करा आपने? तो वही था कि मैं जब प्रतीक सर के साथ पढ़ने लगा तब जाके मुझे समझ आई, उससे पहले मैं ये चीजें नहीं जानता था। तो मेरे को ये समझ आया कि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जब तक आप PYQ सॉल्व नहीं करोगे या आप एक बार PY मतलब एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको एक बार चेक नहीं करोगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या उसके मतलब मेन किस टॉपिक के अराउंड घूम रहा है सबसे ज्यादा, जब तक आपको इस चीज की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप पढ़ोगे क्या। फिर तो आप कुछ भी पढ़ते रहोगे, सिलेबस तो UPSC का चाहे CDS हो चाहे NDO इतना वास्ट है कि आप पढ़ते रहोगे सालों साल पढ़ते रहोगे। लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो UPSC हर बार उसका मतलब एक फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जहां वो हर बार फोकस करता है और उसी के अराउंड वो क्वेश्चन मतलब घुमा घुमा के पूछता है, ऐसे नहीं कि सेम क्वेश्चन वो रिपीट करे लेकिन जो टॉपिक्स हैं वो रिपीट होते हैं। तो ये है कि कंसेप्ट हमको पहचाना जो आना चाहिए कि किस तरीके से UPSC क्वेश्चन पूछ। आगे बढ़ने से पहले ना हम ना पहले एग्जाम को थोड़ा पैटर्न समझ लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न है क्या, जिससे हमें शिवम की बातें और अच्छी समझ में आए। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस हैं जो CDS में आते हैं। 30 क्वेश्चन साइंस से, ज्योग्राफी से इतने, करंट अफेयर्स इतने, पॉलिटिक्स इतने, हिस्ट्री इतने, इकोनॉमिक्स इतने। अब आपको ये बात समझना होता है कि आपका जो टारगेट होता है वो अराउंड 70 क्वेश्चन के आसपास, 70 क्वेश्चन मैं करके आऊं, ठीक है, जिससे मेरे नंबर कम से कम 40 आ जाए। तो मेरा ये मानना होता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पिकअप करें, इसमें साइंस फेवरेट होता है, ज्योग्राफी फेवरेट होता है, करंट अफेयर और पॉलिटी, ये नॉर्मली बच्चे पिकअप करते हैं। कुछ बच्चे हिस्ट्री भी करते हैं, कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स भी करते हैं, डिपेंड उनकी ग्रेजुएशन कौन से हुई है, ठीक है। अगर आप साइंस से हैं तो साइंस तो आपको पिकअप करना ही करना है, ज्योग्राफी, करंट अफेयर और फिर आपके पास पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स से आपके पास ऑप्शन होगी, आप इनमें से कोई सा भी पिक कर सकते हैं, क्लियर है। इसमें जो पिक करने की लीस्ट प्रायोरिटी होती है वो हिस्ट्री होती है, कि हिस्ट्री हम पिक नहीं करेंगे। रीजन ये होता है हिस्ट्री ना पिक करने का, कि हिस्ट्री से प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्लियर है। इसके बाद अगला पोर्शन होता है मैथ्स का। मैथ्स में ना हमारा सेक्शन 3 हिस्सों में डिवाइड है, एडवांस मैथ, एल्जेब्रा, अरिथमेटिक। अब इस चीज को अगर आपको पता लगाना है ना कि ये कहाँ है, तो आप ना इस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, मेक श्योर आप इसे देखें जरूर। आपको ना एक्चुअल में जो टॉपिक कैसे कवर करना है मैंने इस वीडियो में बताया है, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती तो मुझे यहाँ पर डालना पड़ा। इसके बाद हम आते हैं रीडिंग सेक्शन पैटर्न में। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी, देखिए 30 40 30 इस फॉर्मेट में ये डिवाइडेड है। सबसे ज्यादा वेटेज वोकैब का है, अगर आप वोकैब नहीं करोगे तो कोई तरीका नहीं है कि आपका एग्जाम निकल जाए। अब ग्रामर के लिए कौन सी बुक चाहिए और रीडिंग सेक्शन कैसे करना है ये मैंने इस वीडियो के अंदर बता रखा है, प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को जरूर देखें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। अगर हम ये बात समझ गए ना कि UPSC कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जैक्टली, तो 50% जॉब डन है, क्योंकि हमें इतना तो पता है कि स्कोर यार यहाँ से थोड़ा उठ जाएगा और हम बेस लाइन तक तो मतलब कट ऑफ तक तो नियर बाय आ रहे हैं, बाकी हमारी एक्स्ट्रा मेहनत हो जाती है। अच्छा एक बात मेरे को बताओ यार, श्री प्रतीक सर वॉज द ओनली टीचर, क्योंकि ये तो GS हो गया खाली, व्हाट अबाउट इंग्लिश एंड मैथ्स? आपका CDS OT निकला, बट आपने IIM की तैयारी तो करी होगी, आपके पास IIM के ऑप्शन थे। तो सर इंग्लिश की मैंने स्टार्ट किया था, पहले मैंने सोचा मैं ग्रामर पढ़ूंगा, मेरा फोकस था सिर्फ ग्रामर पढ़ना है और मैं एग्जाम निकालूंगा ग्रामर के हेल्प से, पर मुझे इतना मतलब उस समय मैंने वोकैबुलरी पे मेरा इतना फोकस नहीं था जो मैं हर बार स्किप करके आता था। तो सर इसी वजह से मेरे जो पहले 2 अटेम्प्ट थे CDS के वो मैंने वेस्ट किए, क्योंकि मैं इंग्लिश में मैंने उतना अच्छा फोकस नहीं किया था, सिर्फ ग्रामर में मेरा फोकस था। तो ठीक है, अब ये बता कि ग्रामर पे खाली फोकस करने का नुकसान क्या है कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब रीडिंग प्रोसेस में, क्योंकि इस बार का शायद थोड़ा पैटर्न भी चेंज था CDS की बात करें तो। तो सर वोकैब्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, जैसे कि आपने एग्जाम में देखा ही होगा, इससे पहले भी जो कोई मतलब आपने क्वेश्चन पेपर अगर उठा के देखें कोई भी, तो हर बार 30 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, अगर इडियम्स फ्रेजेस सिनोनिम्स एंटोनिम्स को हम देखें तो वो 30 क्वेश्चन में हमेशा छोड़ के जाता था, मेरा फोकस नहीं था। दूसरा मेरी रीडिंग स्किल बहुत ही पुअर थी, अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहा हूँ या सेंटेंस रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ PQRS तो वो बहुत टाइम लगाता था मैं उसको सॉल्व करने में। अच्छा पर आपको ये बात समझ में आई कैसे कि रीडिंग के बिना काम चलेगा नहीं, क्योंकि मैं अपनी क्लास में बोला करता था रीडिंग करनी है करनी है करनी है, बुक्स पढ़ो न्यूज पढ़ो, पढ़ना जरूर है, वरना ये रीडिंग का सेक्शन और वोकैब का सेक्शन क्लियर नहीं होगा, क्लियर है। तो ये समझ खुद से कैसे है, क्योंकि आप मेरे साथ कुछ समय तक रहे ग्रामर तक और उसके बाद आप ग्रामर करके निकल लिए जो भी आपको जरूरी था, तो आपको ये समझ कैसे आई?
तो उस वक्त तो मैं इतना फोकस नहीं किया रीडिंग पे, मैं ग्रामर पे फोकस था। तो जो ये रीडिंग हैबिट है ये डेवलप हुई जब से मैंने श्री प्रतीक सर से पढ़ना स्टार्ट किया। उन्होंने क्लास में जब मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा था तो जैसे ही एक चैप्टर खत्म हुआ तो सर ने बोला कि इसको अब आप एनसीईआरटी से इसको रिविजन करना है, सो ना आपको पेन चलाना है ना आपको नोट वगैरह में है, सिर्फ सुनना है। सर ये बोलते थे क्लास में से आप मेरे को सुनो, उसके बाद जो रिविजन करना है वो करना है बुक से। तो जैसे अलग अलग सोर्सेस हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, तो वो सोर्सेस सर ने हमें बता दिए थे एनसीईआरटी के। उसके बाद हमने रीडिंग वगैरह जो भी था हमारा जो हम रिवीजन करते थे वो करते थे बुक से। और जब मैं बुक से करने लगा लिटरली बहुत मुझे इम्प्रूवमेंट लगा अपनी रीडिंग स्किल पे। और दूसरा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, जो सब्जेक्टिव नॉलेज थी जो जैसे ज्योग्राफी या पॉलिटी या साइंस पढ़ रहा हूँ, तो मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे सब चीज़ समझ आ रहा था, यार ये तो मैंने पढ़ा है, सर ने इसको भी इस ये पूरा पढ़ा है, पूरा टॉपिक अच्छे से कवर है। तो बुक पढ़ने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हुआ और वो मेरी वहीं से रीडिंग स्किल डेवलप होना शुरू हो गई थी। ओके फेयर इनफ, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ आप कि जब इतना चल रहा था तो अभी अब तक नंबर जब सीटीएस दे रहे थे तो नंबर कितने आए थे? 40, 50, 60 कितने नंबर आए थे इंग्लिश के अंदर? जैसे अगर मैं लास्ट जो मेरा था जो मैंने मतलब स्कोर किया था उससे कंपेयर करूँ वो था 50, और जब अच्छा मैंने रीडिंग स्टार्ट करी वो गया 61 पे, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही 50 से किया था, तो 50 से मेरा 61 11 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट आया। हाँ, तो उसके बाद ये ले गए श्री प्रतीक सर, मतलब क्या कहते हैं वाह भाई ले गए, बट ये मैंने भी सलाह दी थी, ठीक है। यस, आपने भी बताया था कि जो वर्ड्स होते हैं जो वोकैबुलरी होती है जो वर्ड्स आप बता रहे थे उनको सेंटेंसेस में डालना सीखो कि वो सेंटेंस में फिट होते हैं तो क्या मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। तो सर उस वक्त मुझे ये चीज रियलाइज नहीं हुई, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि सर आप जो बता रहे थे बिल्कुल सही था, सेंटेंसेस में जो वोकैबुलरी वो कैसे यूज होती है ये हमें पता होना चाहिए। तो सर जैसे इस बार जो नया पैटर्न आया था उसमें भी देखा होगा कि क्वेश्चंस चेंज हुए थे, में एक जैसे वर्ड्स आ रहे थे लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग था, सेंटेंस मतलब स्पेलिंग चेंज थी, जैसे कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लसेंट। तो अगर हमें पता है इसका यूज कैसे होता है तो वही चीज है, रीडिंग हैबिट यही चीज डेवलप करती है। इसके लिए आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं कि वोकैबुलरी का आपको मतलब पता होना चाहिए, तो इसको यूज कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि उसे रट्टा मार लो। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यार। एक बात बता, जो नया स्टूडेंट है तो उसकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए? वो अभी तैयारी कर रहा है, वो सोच रहा होगा शिवम भैया के इंटरव्यू से कुछ सीखने को मिलेगा। अगर कोई नया आ रहा है वो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है तो उसको तो मैं ये सजेस्ट करूँ, तो पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, ये समझे कि क्या पूछा जा रहा है यूपीएससी के द्वारा, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो क्या है। ऐसे नहीं कि मतलब मैं स्टार्ट कर दूं तैयारी, कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दूं। ठीक अच्छा ठीक है, तो है, पैटर्न खुद से देखे, खुद से कहीं वीडियो तो देखी देखी है बट खुद से पैटर्न जरूर समझे। इतनी बात मैं समझ गया, पर एक बात बताओ, अनअकैडमी में आपका बहुत टाइम वेस्ट हुआ था, ठीक है। अब अनअकैडमी पर कोई पर्टिकुलर टीचर ने उन्हें फॉलो करा, या आप मतलब बताना चाहोगे कि यार ऐसे सर्च करो कि भाई ये टीचर है वो टीचर, क्योंकि कई सारे टीचर्स को ऑप्शन है अनअकैडमी, इस बात पर ध्यान रखते हैं बच्चों का पैसे बर्बाद ना हो, तो आप क्या कहना चाहोगे? तो मैं यही कहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए जैसे मैं श्री प्रतीक सर से पढ़ा हूँ, सिद्धांत सर से पढ़ा हूँ, शुभम वार्षे सर से भी पढ़ा हूँ मैं इंग्लिश, तो मेरे अकॉर्डिंग ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप मतलब किस टीचर से पढ़ना है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी बात करो, मैं तो जब श्री प्रतीक सर से पढ़ना स्टार्ट किया था जीएस, तो मैं मेरी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व भी हो गई थी, क्योंकि मुझे ये था कि अब सर सब कुछ बता रहे हैं, सर का प्रीवियस ईयर एनालिसिस अच्छा है, कभी मैंने ये चीजें सोची भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना भी इंपॉर्टेंट है, उनको समझना भी इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप एग्जाम पैटर्न समझ पाओगे। तो वो चीज जब मेरे को वहां से आई मेरे लिए ऑलमोस्ट सारी जो प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गई, क्योंकि पढ़ तो मैं रहा था लेकिन अब मैं सही डायरेक्शन में पढ़ रहा था। और इंग्लिश की बात करें तो स्टार्ट जैसे मैंने शुभम वार्ष्णेय सर से पढ़ा था, उसके बाद जैसे मैंने सिद्धांत सर से भी ग्रामर पढ़ी थी, उसके बाद इम्पोर्टेंट ये है कि आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग तो जरूर अच्छा करें, एक बात उससे आपकी और, मैं रीडिंग यहाँ पर हैबिट। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। दोनों ही टीचर अच्छे हैं, मैं कहता हूँ सिद्धांत सर भी बहुत अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ, ठीक है ना, दोनों इक्वली पढ़ाते हैं, मैं उनका स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, बट फिर भी मैं कहूंगा कि दोनों से पढ़ना ज्यादा बेहतर है कि पहले एक सोर्स डिफाइन कर लो, क्योंकि सिलेबस पता नहीं लगता खत्म हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ मतलब एक सोर्स डिफाइन कर लो, जैसे मैंने शुभम वार्ष्णेय सर से पढ़ा था तो पूरा सिलेबस जब मैंने करा उसके बाद मैं सिद्धांत सर से पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दो दो टीचर से पढ़ना है, आपका काम एक टीचर से भी हो जाएगा। पर वो मेरी हैबिट है कि मतलब मैं अब ग्रामर पढ़ रहा हूँ तो मैं दोबारा अब अगली बार कोर्स लगाऊंगा, फिर से किसी मतलब नए टीचर से ट्राई करता हूँ, तो ये मैंने गलती करी थी। तो आप भी ना करें, आप किसी एक टीचर से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, बाकी अपनी रीडिंग हैबिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से बहुत एग्जाम निकलना ज्यादा, है बहुत ज्यादा। अगर आज की तारीख में आप में बहुत। सीडीएस के अंदर रीडिंग हैबिट नहीं हुई तो यहाँ पर शिवम भी कह रहे हैं बार बार कि वो एग्जाम निकलेगा ही नहीं सीडीएस। अगर आप देखो 30 क्वेश्चन रीडिंग के हैं, 50 क्वेश्चन वो कैप के जो रीडिंग पे यस डिपेंड है, सर, 80 क्वेश्चन है, बिना उसके निकल नहीं सकता, कोई तरीका ही नहीं है।
यस सर, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, मैं यही कहूंगा कि रीडिंग के बिना तो काम नहीं चलेगा। आप कोई भी आर्टिकल उठा लो, द हिंदू का, द इंडियन एक्सप्रेस का, आप उसे डेली रीड करो, आपके माइंड में वो बैठ जाएगा कि ये वर्ड का जो स्ट्रक्चर है कैसे बन रहा है। मैं सच बताऊं ना तो जो मेरा ग्रामर वाला पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल एरर स्पॉटिंग की बात करूं, क्योंकि मेरी मैं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर लिया था तो मेरे माइंड में एक ना सेंटेंस का स्ट्रक्चर बैठ गया था कि सेंटेंस कैसे फॉर्म हो रहा है। तो जब मैं एग्जाम में स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन कर रहा था तो कई जगह ऐसा भी हो रहा था कि मुझे ग्रामर रूल क्लिक नहीं हो रहा था, लेकिन मेरी जो रीडिंग हैबिट है, रीडिंग जो मैंने न्यूज़पेपर से करी थी, उसका एक स्ट्रक्चर मेरे माइंड में था कि किस तरीके से सेंटेंस फॉर्म हो रहा है। तो मैं ऑटोमेटिकली, मतलब मेरे माइंड में वो हो रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर है, इस लाइन के बीच में कुछ एरर है। अभी इसलिए नहीं था कि मुझे ग्रामर रूल आ रहा है। तो सर, रीडिंग हैबिट मेरा एक ऐसा कारण था जिसकी वजह से मेरा एरर स्पॉटिंग अच्छा हुआ, फिल इन द ब्लैंक भी मेरा अच्छा हुआ, और आंसर की सर जब मैंने मैच किया तो मेरे सारे आंसर सही थे। ये बात पता है इनकी रीडिंग की स्टार्ट कहां से हुई, इन्होंने मिस कर दी, मैं याद दिलाता हूं, वर्ड पावर मेडिसिन से। उस किताब ने इनकी आंखें खोली थी कि वर्ड पावर मेडिसिन ने, कि यार मजा आ गया। वो क्या कहानी, जरा समझाओ जरा। तो जब मैं सर के साथ पढ़ रहा था, श्री प्रतीक सर के साथ, तो वो ना लास्ट में जब भी कोई क्लास होती थी जैसे ज्योग्राफी की है, उसके बाद हमें डेली 5 वोकेबलरी के वर्ड्स कराते थे। तो वो मैं पहले पहले तो पढ़ नहीं रहा था, मेरे को लगा क्या पढ़ना है वोकेबलरी, लेकिन धीरे धीरे जब सब जब सर रोज ही पढ़ा रहे थे तो मुझे लगा कि यार सर तो रोज पढ़ा रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप सर बहुत रोज एम्फोसाइज करते थे कि तुम्हारा वोकेबलरी के बिना नहीं हो सकता, 30 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 20 तो करके आओ। तो वहां से मुझे पता चला कि हाँ, वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 क्वेश्चन आते हैं, एटलीस्ट 20 तो करने ही चाहिए हमको, और उसी वजह से मेरा कहीं ना कहीं इंग्लिश में मैं लैग कर रहा था। तो सर ने आगे चल के वर्ड पावर मेड इजी के बारे में बताया कि अगर तुम्हें अपनी रीडिंग हैबिट प्लस अपना वोकेबलरी इंप्रूव करना है, और उसमें क्योंकि रूट वर्ड से समझाया गया है तो उसकी जो लैंग्वेज है बुक की वो काफी ईजी है, मतलब किसी फॉरेनर ने बनाई है, नॉर्मल लुइस ने काफी सोच समझ के उसने वो बुक बनाई है, उसके चैप्टर मतलब जो भी आप सेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसमें टेस्ट दिया गया है, वो टेस्ट आपको बार बार एम्फोसाइज करेगा कि जो वर्ड सिखाए गए हैं आगे मतलब पीछे, वो आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में बैठ जाएंगे जब आप उन टेस्ट को दोगे। तो काफी सोच समझ के वो बुक बनाई गई है। तो मैं अगर मैं सजेस्ट करूं तो एक बार वो बुक सभी को पढ़नी चाहिए बट एग्जाम का रूट लेवल नहीं, ये मत समझ लेना कि इस बुक को पढ़ लिया तो एग्जाम हो जाएगा, रीडिंग तो फिर भी करनी ही पड़ेगी, बिना उसके काम चलेगा नहीं। हाँ सर, ऐसा जरूरी नहीं है कि वही बुक पढ़नी है तो मतलब अगर वो नहीं पढ़ोगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। डेली अगर रीडिंग हैबिट है उसमें से अगर आप वर्ड्स ढूंढ रहे हो, डेली अगर 10-10 वर्ड भी लिख रहे हो और उसका मतलब समझ रहे हो कि सेंटेंस में कैसे ये डलता है, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है, तो वो भी आपके लिए बहुत होगा एग्जाम निकालने के लिए। बहुत ज्यादा हो जाता है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको यहाँ से 3 लेसन लेके जाना है, एक रीडिंग रखनी है, दूसरी स्ट्रैटेजी समझनी है, और तीसरी बात यह कि वोकैब से भागना नहीं है, भागे तो खत्म है पेपर, ना OTA निकलेगा ना IMA निकलेगा। थैंक यू शिवम, हमने हमें हमें बताया कि हमने कितनी मेहनत करके इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, एंड आई होप इनको भी इस बात की वैल्यू आ जाए। थैंक यू सो मच यार। थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो से जो आपकी टेक अवे है ना, वो ये है कि आपको रीडिंग की हैबिट तो डालनी है, PYQs देखने देखने, जिससे आपको खुद भी पैटर्न समझ में आए कि भैया जो हम बता रहे हैं वो सच है कि नहीं है, आपका दिमाग ना एम्बेड हो जाएगा मुझे करना क्या है, ये है सेकेंड। और लास्ट है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले करने हैं, अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने पहले नहीं करे तो आप फंस जाओगे। एंड रिमेम्बर कि ये जो वीडियो है इसको आप जरूर देखो, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा कि मुझे कौन से टॉपिक करने, क्योंकि इस वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस नहीं किया, बहुत लंबी वीडियो जाती। एंड मेक श्योर ऑफ वन थिंग कि अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपका सारा ख्याल हम रखेंगे, आपको पूरा मेंटोर हम करेंगे, जिससे आप सही डायरेक्शन में जाओ और आपका एग्जाम विद मिनिमम सिलेबस एंड मिनिमम एफर्ट हो सके, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो यहाँ पर हमने बोले थे उनको हम हाईएस्ट फोकस करते हैं और बाकी चीज भी कवर कराते हैं, जिससे आपके नंबर कहीं कम ना रह जाए। हमें पता होता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। सो मैंने यहाँ पर वाष्णु कूपन कोड दे दिया, आप यहाँ पर इसे यूज कर सकते हैं। CDS 123 की प्रिपरेशन चालू हो चुकी है, FCAT की भी हमने चालू कर दी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गो एंड एनरोल इन इट, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। गोल्ड कॉइन भी आप डिस्काउंट में ले सकते हैं, गोल्ड कॉइन की मदद से वार्षिक कूपन कोड की वजह से आप 20% करीबन डिस्काउंट ले सकते हैं। मैं देता हूं आपसे विदा, जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं आपसे CDS 123 के बैच के अंदर अनअकैडमी में। चलिए मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।